इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उन पेशेंट्स के लिए जो बोन के टूटने के बाद, हड्डी के टूटने के बाद अपने फ्रैक्चर के अमल को, अपने फ्रैक्चर के हीलिंग के अमल को एक्सलरेट करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, मैं 5 इजी स्टेप्स इन पेशेंट्स के लिए शेयर करूंगा इस वीडियो में, जिनको अडॉप्ट करके वो हड्डी के, टूटी हुई हड्डी के जुड़ने के अमल को एक्सलरेट कर सकते हैं, हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो में हम 5 इजी स्टेप्स शेयर करेंगे, जिसको अडॉप्ट करके एक ऐसा पेशेंट जिसकी हड्डी ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ फॉल, ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रोमा, हड्डी टूट गई है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन में, और वो फ्रैक्चर को ऑर्थोपेडिक सर्जन से फिक्सेट या स्टेबल करवाने के बाद अपने हीलिंग प्रोसेस या रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो कैसे एक्सेलरेट कर सकता है इस हीलिंग के अमल को, या बहाली के अमल को, या टूटी हुई हड्डी के जुड़ने के अमल को किस तरह तेज कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। नंबर 1 है इनटेक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ बोन या मेंटेनेंस ऑफ बोन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आफ्टर फ्रैक्चर बोन के यूनाइट करने में, हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें मिल्क, चीज और योगर्ट। एडिंग टू दिस, आप फोर्टिफाइड फूड से भी कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड से मुराद वो खुराक जिसमें एडिशनल न्यूट्रिशन, एडिशनल न्यूट्रेंट्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 2, इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में? जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ बोन या मेंटेनेंस ऑफ बोन में हेल्प नहीं करता, बट इट एक्सेलरेट हीलिंग प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ बोन, इट एक्सेलरेट हीलिंग प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर। तो जो कैल्शियम एक्सेलरेट कर रहा है हीलिंग प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर, वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्व कौन करवाएगा? विटामिन डी। और विटामिन डी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? विटामिन डी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर आप एक हफ्ते में सेवरल टाइम्स 15 से 20 मिनट के लिए सनलाइट का एक्सपोजर हासिल कर लें, तो आपको विटामिन डी हासिल हो सकता है। एडिंग टू दिस, एग योक यानी अंडे की जर्दी, फैटी फिश, और आपको फोर्टिफाइड सीरियल्स से भी विटामिन डी हासिल हो सकता है, जो कि एब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की इन बोन्स, और कैल्शियम इन रिटर्न आपके फ्रैक्चर के हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। नंबर 3, कोलेजन। आपकी बोन को डेंस, आपकी हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कोलाजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ जेलेटिन, कोलाजिन सप्लीमेंट्स इजीली अवेलेबल होता है। नंबर 4, प्रोटीन इंटेक। आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। प्रोटीन की क्या इम्पोर्टेंस है फ्रैक्चर के हीलिंग प्रोसेस में? प्रोटीन हड्डी की रिपेयर और रीजनरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन आपको फोर्टिफाइड सीरियल से, डेयरी प्रोडक्ट से, आपको फोर्टिफाइड फूड जिसमें ब्रेड, जूसेस, आपको एग्स, मिल्क, चीज, योगर्ट, इनसे आपको प्रोटीन हासिल हो सकता है, फिश से प्रोटीन हासिल हो सकता है। ये थे वो कंपोनेंट्स जो आप इनटेक, जिनकी आप एडिशन कर सकते हैं अपनी फूड में, और अपना डाइट्री इनटेक बेहतर कर सकते हैं, और ये चारों कंपोनेंट्स इन रिटर्न
आपके फ्रैक्चर की हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है। लास्ट इज फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, आपके मसल मैस को इन्हांस करने के लिए, आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सेलरेट करने के लिए। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से मुराद कि बोन फॉर्मिंग सेल्स की एक्टिविटी तेज करने के लिए आपको फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, ताकि अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इन्हांस होगी, तेज होगी, बोन फॉर्मिंग सेल्स की एक्टिविटी तेज होगी, बोन बनेगी, बोन यूनाइट करेगी, फ्रैक्चर हील होगा, फ्रैक्चर एक्सेलरेट होगा। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज करें कि हमने कौन सी 5 रेमेडीज आपके साथ शेयर की हैं, 1 इनटेक ऑफ कैल्शियम, 2 इनटेक ऑफ विटामिन डी, 3 कोलाजन, 4 प्रोटीन इनटेक एंड 5 फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।